Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार, आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उन लोगों का भी स्वागत है जो लोग आज पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन। और आशा करते हैं कि इस क्लास से आप सबको बहुत फायदा होगा। हम लोग अपनी पिछली क्लास में अरिमास्क कर रहे थे, वहां पर हमने वा और नी का प्रयोग करते हुए बताया कि कैसे किसी वस्तु को हम दर्शा सकते हैं, किसी वस्तु की मौजूदगी के बारे में हम बता सकते हैं, उपस्थिति के बारे में बता सकते हैं। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और हम किसी एनिमेट चीज के बारे में, उसकी मौजूदगी के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, देखते हैं आज हमारे पास नया क्या है। इसके अलावा नानिन इमास्का, तो आज हम लोग इमास करेंगे। लेकिन जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, कुछ भी करने से पहले हम ऑडियो सुनते हैं, तो आइए सबसे पहले ऑडियो सुनते हैं। すみません, राव सान वा दोको देसु का? राव सान वा निकाई नो काइगिशित्सु नी इमासु। तानाका सेंसेई मो काइगिशित्सु नी इमासु का? इए, सेंसेई वा जिक्केनशित्सु नी इमासु। すみません,実験室 はどこですか? 実験室はエレベーターの前にあります。ありがとう。अभी आपने ऑडियो सुना, उसको हम एक बार आपके लिए पढ़ भी देते हैं। उसमें कुछ नई चीजें हैं, कुछ आपने करी हैं। मीरा और अरुण के बीच में काइवा है। मीरा सान तो अरुण सान नो काइवा देस। सुमिमा सेन, राव सान वा दो को देस का? दो को आप कर चुके हैं, यानी कि कहाँ? राव सानवा काइगी शित्सु नी इमास। नी और वा, तो जो आपका टॉपिक है उसके बाद वा लगता है, ऐसा आपको पता है, आपने किया है। राव सानवा प्लेस, ये जगह है। काइगी शित्सु प्लेस नी इमास, राव सान प्लेस में मौजूद हैं। इमास का अर्थ है उपस्थिति, मौजूदगी दिखाना किसी व्यक्ति की। तो तनाका सेंसेई मो काइगी शित्सु नी इमास का, तनाका सेंसेई भी, ये भी आप कर चुके हैं पहले पार्टिकल, और फिर से प्लेस आ गई। ईए सेंसेई वा जिक्केन शित्सु नी इमास, क्योंकि सेंसेई हैं इसलिए इमास है। अगर यहाँ पर इनएनिमेट होता कुछ, जैसे कि होन है, तो होन वा स्कुए नो उए नी अरिमास होता यहाँ पे। तो यहाँ पर इमास है सेंसेई के लिए। सुमिमा सेन, काइगी शित्सु वा दो को देस का? उन्होंने दोबारा से सवाल किया कि अब काइगी शित्सु कहाँ पर है? दो को देस का, यहाँ पर दो को नी अरिमास का भी कहा जा सकता है। तो काइगी शित्सु वा एरेबेता नो माए नी अरिमास, देखिए जवाब में नी अरिमास है, या काइगी शित्सुवा सोको देस, ये भी कहा जा सकता था। सोको देस वहां पर है। एरेबेता हुआ एलिवेटर, नोमाई नी आप कर चुके हैं। तो ये एक छोटा सा काइवा है, अंत में मीरा कहती है अरिगातो। क्योंकि ये इनफॉर्मल है इसलिए अरिगातो भी कहा जा सकता है, दोमो भी कहा जा सकता है, दोमो, और दोमो अरिगातो भी कहा जा सकता है। हर प्रकार से आप धन्यवाद कर सकते हैं। ये जापानी स्क्रिप्ट में है। यहाँ पर काइगी शित्सु, जिक्केन शित्सु, निकाई, तनाका सेंसे, सबकी कांजी लिखी है।
ये देखिए एरेबेता कताकाना में है, राओ भी कताकाना में है और बाकी हिराकाना है, तो तीनों को मिलाकर लिखा जाता है। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए स्पेस दी हुई है, जैसा कि अंग्रेजी में या हिंदी में होता है। एक बार आपको पहले भी बता चुके हैं कि देखिए जब हम अंग्रेजी लिखते हैं तो स्पेस होती है, हमारी आदत है स्पेस डालने की। जब हिंदी लिखते हैं तो हम ऊपर लकीर डाल देते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये शब्द है और उसके बाद हम स्पेस देते हैं। लेकिन जापानी में जब हम लिखते हैं तो हम कोई स्पेस नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ आपकी सुविधा के लिए स्पेस दी गई है। धीरे धीरे हम स्पेस भी हटाते चले जाएंगे। ये हिंदी में उसका अर्थ है, आप पढ़ सकते हैं। तो अभी आपने किया इमास और पिछली बार आपने किया था अरिमास। अरिमास, होनवा होनवा सोको नी अरिमास, यानी कि होन की वजह से अरिमास है और नी जगह के लिए है। आज आप कर रहे हैं तनाका सान, तनाका सान वा सोको नी इमास। तो एनिमेट के लिए हमेशा इमास होगा और इनएनिमेट के लिए हमेशा अरिमास का प्रयोग किया जाएगा। प्लेस के लिए नी दिखाया जाता है। केवल इतना ही फर्क है अरिमास और इमास में। आप होनवा सोको देस जैसा हमने अभी बताया आपको, वो भी कह सकते हैं, वो भी सही है। तनाका सानवा सोको देस, ये भी सही है, तनाका सान वहां है। अब आप अभ्यास करिए थोड़ा सा और देखिए कि आप सही प्रकार से प्रयोग कर पाते हैं या नहीं। एक टेबल है, टेबल के नीचे कुछ बैठा है, एक डॉग बैठा है, इनू है, तो इनू वात्स कुएनो शतानी इमास। इनू की ये कांजी है, बहुत ही सिंपल कांजी है, इसलिए कांजी यहाँ दी गई है। ये कांजी आपने पहले करी है, देखिए ये कांजी क्या है, ये हितो की कांजी है। ये कांजी कौन सी है, ये दाई की कांजी है, दाई गाकू में जो दाई लगता है वो कांजी है, और वैसे इसका अर्थ है ओकी, यानी कि बड़ा। तो इसमें अगर हम छोटा सा यहाँ एक डॉट लगा दें तो ये इनू बन जाता है, इसलिए यहाँ पे ये कांजी दी गई है आपके लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इनुवा दो कोदेस का इनुवा स्कुएनो शतानी इमास, नेकोवा दो कोदेस का नेकोवा स्कुएनो उएनी इमास। ये केवल इमास की प्रैक्टिस है, यहाँ पर उसका अभ्यास है, इसको जोर जोर से बोल के अभ्यास करिए। अब ये बताइए नेकोवा दो कोदेस का नेकोवा इसुनो उशिरो नी इमास। उशिरो यानी कि पीछे, ये भी आप कर चुके हैं। और एक और है आपके लिए, दोबारा से नेको है, नेकोवा दो कोदेस का नेकोवा हाकोनो नाकानी इमास, हाको डब्बा। तो इसका अभ्यास करिए। एक तस्वीर है यहाँ पे और अभ्यास है। एक सेंसेई है, पढ़ा रहे हैं। तो अब ये सब लोग कहाँ हैं, मीना सानवा दो कोदेस का मीना सानवा क्यों शित्सुनो नाका नी इमास। यहाँ पर आप नो नाका हटा भी सकते हैं, अर्थ में कोई फर्क नहीं आएगा। मीना सानवा क्यों शित्सुनी इमास, ये भी सही है। सेंसेई वा दो कोदेस का सेंसेई वा कोकुबान नोमाए नी इमास। अगर आप यहाँ पे नोमाए हटा देंगे, ये हटा देंगे यहाँ से, कोकुबान नी इमास यानी कि कोकुबान के अंदर है, तो यहाँ पर लगाना जरूरी है। सेंसेई वा गाकसेई नोमाए नी इमास, सेंसेई गाकसेई के सामने है, कोकुबान के सामने है। तो इस प्रकार से ये जो आपने नए वर्ड सीखे हैं, नए शब्द सीखे हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में प्रेपोजिशंस के तरीके से यूज करते हैं, उनका आप प्रयोग करिए और वाक्य बना करके अभ्यास करिए। आपके लिए और भी अभ्यास है, इसमें इमास और अरिमास दोनों है। तो देखिए देन वा वा दो कोदेस का
अब इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, अरिमास या इमास, बताइए। बिल्कुल, देनवावा स्कुएनो उएनी अरिमास, इमास नहीं लगेगा यहाँ पे। हिशो वा दोकोनी इमास का, हिशो यानी कि सेक्रेटरी, तनाका सान ये बैठे, तनाका सान की सेक्रेटरी हैं, तो हिशो वा दोकोनी इमास का, हिशो वा तनाका सान नो मिगिनी इमास, यानी कि दाहिनी तरफ है। होंदा सान वा तनाका सान नो उशिरो नी इमास, ये उनके पीछे बैठी हैं, इसलिए यहाँ पर हैं, ये दाहिनी ओर बैठी हैं, इसलिए मिगिनी इमास। तो आप इस प्रकार से एग्जैक्टली कौन कहाँ पर है उसको आप बता सकते हैं। ये आपने पहले भी किया है, नाउन वा प्लेस नी अरिमास, जो आपने पिछले चैप्टर में किया था, आज वही चीज है, नाउन वा प्लेस नी इमास, यानी कि इनएनिमेट के लिए, नॉन लिविंग के लिए और एनिमेट लिविंग के लिए अरिमास और इमास का प्रयोग किया जाता है रिस्पेक्टिवली। अब आप ये बताइए कि आप अगर कहीं पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं तो आप उनकी गिनती कैसे करेंगे। आपने अन्य काउंटर्स किए हैं तो लोगों को गिनने के लिए कि कितने लोग कहाँ मौजूद हैं उसके लिए निन का प्रयोग किया जाता है, नंबर निन से पहले आता है। अब देखिए कैसे है, यहाँ पर कितने लोग हैं, हे यानी नान निन इमास का, सान निन इमास, हे यानी सान निन इमास, तीन लोग मौजूद हैं, हितोरी फुतारी सान निन, तो सान निन इमास। एक सवाल ये भी हो सकता है कि हे यानी ओतो कोनो हितोवा नान निन देस का, हितोरी देस, क्योंकि तनाका सान अकेले हैं, ओतो कोनो हितो मेल मेंबर, ओन नानो हितो वा नान निन देस का, ओन नानो हितो वा फुतारी देस। तो इस तरीके से आप लोगों को काउंट करते हैं। अब आपके लिए ये अभ्यास है, यहाँ पे इसको जोर से उच्चारण करिए इसका और याद करिए। हितोरी यानी कि एक व्यक्ति, फुतारी सान निन, तो आप देखेंगे कि हितोरी फुतारी ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। अभी हमने आपको बताया निन में काउंट किया जाता है लोगों को, तो हितोरी और फुतारी दो एक्सेप्शंस हैं। इसके साथ क्या है, योनिन, योनिन भी एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है आप बताइए जरा। एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि अगर चार दिखाना है तो योन होना चाहिए, इची नी सान योन पूरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे योनिन है, तो इसलिए ये भी एक एक्सेप्शन है। इसकी स्पेलिंग अलग है इसलिए इसको याद कर लीजिए। गोनिन, रोकुनिन, नानानिन, नानानिन और शिचिनिन दोनों प्रयोग किया जाता है। हचिनिन, क्यूनिन, ज्यूनिन, तो इस प्रकार से आप निन लगा करके बता सकते हैं कि कितने लोग मौजूद हैं। निन से पहले हमेशा नंबर लगाया जाएगा जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब देखिए ये तस्वीर है, इसमें कितने लोग मौजूद हैं जल्दी से बताइए। दो लोग मौजूद हैं, तो नान निन इमास का फुतारी इमास, ये जैसा कि आपको बताया है एक्सेप्शन है। और इसमें कितने लोग हैं, एक अकेली छोटी सी लड़की है, तो हितोरी देस, एक जना है, निन की कांजी है निन, हितो की कांजी है, एक और रीडिंग आपने आज सीखी इसकी निन। अभी तक आपने इस कांजी की रीडिंग करी है हितो, आज आप करिए निन, एक और इस कांजी की रीडिंग है। अब इस तस्वीर में कितने लोग हैं, नान निन इमास का, हितोरी फुतारी सान निन योनिन गोनिन, तो कितने लोग हैं नान निन इमास का, गोनिन इमास। इसमें कितने लोग हैं, योनिन इमास,
यह आपको बताया है एक्सेप्शन है, योन मत बोलिएगा। योन से मीनिंग क्लियर हो जाता है, समझने वाले समझ भी जाएंगे, लेकिन प्रॉपर इसका जो शब्द है वो है योनिन। अब बताइए, एक हम आपसे सवाल कर रहे हैं, मीना सान शोकुदोनी सान्नी निमास का, बताइए कितने लोग मौजूद हैं इस तस्वीर में। ईए सान्नी निमासेन योनिन देस। एक और तस्वीर है, इसमें नान्नी निमास का, मीना सान गिन के बताइए कितने लोग हैं। नान्नी निमास का तो हितोरी फुतारी सान्निन योनिन गोनिन। अमीना सान शाशिन नी गोनी निमास का, देखिए एक और छिपे बैठे हैं यहाँ पे, रोकुनिन। तो नानी निमास का शाशिन नी रोकुनिन इमास। एक और आपके लिए तस्वीर है नानी निमास का, जल्दी से बताइए, क्यों शित्सुनी गाक्सेवा नानी इमास का या गाक्सेवा नानी देस का। तो हितोरी फुतारी सान्निन योनिन गोनिन रोकुनिन और नानानिन इमास, नानानिन इमास। अब यहाँ पे आंसर आ गया है हचिनिन। तो हम लोग को सवाल क्या करना चाहिए, हे आनो नाकानी नानिन इमास का, हे आनो नाकानी हचिनिन इमास, क्योंकि सेंसे भी एक जुड़ जाएंगे। अब यही एक आपकी पुरानी तस्वीर है जिसमें तानाका सान ऑफिस में बैठे हैं, तो यहाँ पर दाई दिया हुआ है। अब दाई क्या है, दाई भी एक काउंटर ही है, और किन चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए या बड़े फर्नीचर के लिए या गाड़ियों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, बड़ी मशीनरी के लिए, इस सब के लिए प्रयोग में आता है। तो यहाँ पर क्या रखा है, एक देनवा रखा है। तो देनवा वा त्सुकुएनो उएनी अरिमास, सवाल भी हम कर सकते हैं देनवा वा दोको देस का, देनवा वा त्सुकुएनो उएनी अरिमास। और अब क्योंकि ये एक है खाली यहाँ पर देनवा, तो इची दाई देनवा वा त्सुकुएनो उएनी अरिमास, इची दाई। तो दाई काउंटर है कोई भी मशीनरी या बड़ी चीज को गिनने के लिए। और ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा काउंटर से पहले आपको नंबर लगाना पड़ेगा, और जब आप काउंटर बताते हैं तो जो चीज़ आप गिन रहे हैं वो काउंटर के बाद आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। काउंटर पहले आता है और जो नाउन है वो उसके बाद प्रयोग किया जाता है, जैसे कि योनिन गाक्सेवा हे आनो नाकानी इमास। तो गाक्से बाद में आया है और काउंटर पहले आता है, काउंटर प्लस नाउन होता है। इस प्रकार से आप दाई को याद कर सकते हैं। देखिए किन किन चीज़ों को गिना जा सकता है, साइकिल है, गाड़ी है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, फर्नीचर है, इस तरीके से बड़ी चीज़ों को गिनने में काम में आता है। आप हमारे बाद बोल सकते हैं इची दाई नी दाई सान दाई योन दाई गो दाई रोकु दाई नाना दाई हची दाई क्यू दाई और ज्यू दाई। तो आप देखेंगे नंबर के बाद ही दाई का प्रयोग किया गया है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। दाई की कांजी भी बहुत सिंपल है, ये काताकाना का मुंह है और इसके नीचे आप कुची बना दीजिए जो आपने किया हुआ है, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब जब आप कोई इनएनिमेट चीज को काउंट करते हैं तो जैसा हम लोग कर चुके हैं अरिमास का प्रयोग होता है। जब एनिमेट का करते हैं तो इमास होता है। अब हम लोग यहां पर किस चीज को काउंट कर रहे हैं, हम नेको को काउंट कर रहे हैं, और नेको को काउंट करने के लिए दाई नहीं होगा, क्योंकि दाई हमने बताया बड़ी कोई चीज़ों को काउंट करने के लिए प्रयोग में आता है। तो
तो छोटे जानवरों को काउंट करने के लिए, जैसे कुत्ते के बच्चे हैं या बिल्ली के बच्चे हैं या छोटे जानवर हैं, उनको काउंट करने के लिए पिकी और बिकी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जापानी में बहुत काउंटर्स हैं और काउंटर्स याद भी करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि नंबर बताना पड़ता है। तो धीरे धीरे हम लोग ये काउंटर्स जो हैं अपने क्लास में करेंगे और इनको याद करेंगे और इनका प्रयोग भी करेंगे। तो आज आपने अभी निन किया, आपने दाई किया और इस समय अब हम लोग छोटे जानवरों को काउंट करने का प्रयास करेंगे, वो पिकी और बिकी में होता है। तो देखिए, नेको वा हाको नो नाका नी इमास, इप्पिकी नेको वा हाको नो नाका नी इमास। पिकी की कांजी भी बहुत सिंपल है, देखिए योन से बहुत मिलती जुलती है, तो एक तरफ अगर आप उसको बंद नहीं करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये पिकी और बिकी की कांजी है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कांजी करते हैं, ये कांजी सीखने का तरीका नहीं है। कांजी इसलिए इस प्रकार से कराई जा रही है जिससे कि आपको इंटरेस्टिंग लगे और आप आसानी से कांजी सीख लें और याद कर लें, आपको याद रहे वो कांजी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आपको जैसे हमने बताया यहाँ पे कि ये चार से मिलता जुलता है, तो ये केवल आपकी सुविधा के लिए बताया है। अब हमारे बाद आप उच्चारण कर सकते हैं उसका। इप्पिकी, निहिकी, साम्बिकी। तो देखिए ये एक एक्सेप्शन है, बिकी आया यहाँ पे और डबल साउंड के साथ पिकी आया, इप्पिकी। अगर इसको लिखेंगे हम रोमन में तो इप्पिकी आएगा। योम्पिकी, गोहिकी, रोप्पिकी, दोबारा से डबल साउंड के साथ आया। नानाहिकी, हप्पिकी। एक और है आपके लिए डबल साउंड में, क्यूहिकी और जुप्पिकी। तो इप्पिकी, रोप्पिकी, हप्पिकी, जुप्पिकी, ये डबल साउंड के साथ हैं और इनको इसी प्रकार से याद करना पड़ेगा। हिकी, नी हिकी, नाना हिकी, क्यू हिकी, गो हिकी, ये हिकी के साथ हैं और सान के साथ बिकी है, योन के साथ पिकी है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने के साथ ये याद भी हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, कुछ कांजी करते हैं जो लेसन में हम पढ़ते हैं। तो आज हमारे पास है हिदारी और मिगी, दो कांजी हैं, हिदारी यानी बाएं और मिगी यानी कि दाहिने। कांजी को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, टू और ये काताकाना का ए है और यहाँ पर कुची है। तो ये बना कैसे, हिदारी ते के साथ हिदारी है और मिगी ते के साथ मिगी है। इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत ही साधारण है। एक और कांजी है आपके लिए सोतो। सोतो दो काताकाना सिलेबल्स के साथ बना हुआ है, ता और तो। सोतो माने बाहर। ये जो पहला वाला कैरेक्टर है ये शाम के लिए भी प्रयोग में आता है, यू। तो पुराने ज़माने में जो फॉर्च्यून टेलर्स होते थे, जो भाग्य बताते थे, वो शाम को अपनी छड़ी लेकर के बाहर बैठ जाते थे और लोगों का भाग्य बताते थे। तो ये शाम के लिए है और ये जो तो है ये छड़ी को डिपिक्ट करता है, इसलिए सोतो बनता है, शाम को छड़ी लेकर के बाहर बैठना और लोगों का भाग्य बताना। यहाँ से इस आइडिया से, इस कॉन्सेप्ट से ये कांजी बनी है और सोतो का
अर्थ आता है। तो देखिए, आपको सोतो का प्रयोग करके कुछ शब्द बताते हैं। आपने ये शब्द किए हैं, आज उसकी कांजी करते हैं। ता और तो मिला करके एक कांजी बनती है सोतो। इसकी एक और रीडिंग है, वो है गाई, जो कि यहाँ लिखी है, हमने इसको सोतो के रूप में पहले किया है। अब यहाँ पे देखिए एक और कांजी है गाई कोकू। गाई कोकू के अर्थ आपको पता है, यानी कि विदेश। गाई माने सोतो यानी कि बाहर, और कोकू माने कंट्री या देश। तो बाहर का देश यानी कि विदेश, यानी कि गाई कोकू। अब इसी के साथ अगर इस कांजी में आप यहाँ हितो की कांजी लगा दीजिए तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है गाई कोकू जिन। बार बार उन्हीं शब्दों को अगर हम रिपीट करेंगे, कांजी भी आपको याद हो जाएगी। देखिए एक और शब्द है दाइगाकू जिन रियोगाक्से। रियोगाक्से क्या है? रियोगाक्से है फॉरेन स्टूडेंट। आपने देखिए गाक्से किया है, गाक्से माने स्टूडेंट। वाताशिवा नीनेन से देस, वाताशिवा दाइगाक्से देस, ये आपने किया हुआ है। तो यहाँ पे रियोगाक्से जो है वो है फॉरेन स्टूडेंट। आप गाय की कांजी करिए, जिसको हम लोग अभी जिसका अभ्यास कर रहे हैं, उसी के साथ आप कुनी की कांजी आपको एक बार फिर लिख देते हैं। फिर जिन है जो आपने यहाँ किया है गाय को कुजिन, और गाय को कुजिन रियोगाक्से। गाक्से की आपने कांजी पहले भी करी है, इसको दोबारा से लिख देते हैं। आप नेट पे भी जाकर के देख सकते हैं इसका स्ट्रोक ऑर्डर और याद कर सकते हैं। ये शब्द याद कर लीजिए, नया शब्द है। फिर देखिए गाय को कुजिन रियोकोशा, शब्द वही है गाय को कुजिन रियोको, नया शब्द है। रियोको माने घूमने जाना और शा माने वो व्यक्ति, तो रियोको शा यानी कि टूरिस्ट। तो आप गाय को कुजिन की कांजी करिए और ये रियोको शा नया शब्द है, उसको याद करिए। कांजी आप बाद में भी कर सकते हैं इसकी। अब देखिए एक और शब्द है इसका काई गाय। काई देखिए ऐसे बनता है। काई का बेसिक अर्थ क्या है बताइए ज़रा। काई का बेसिक अर्थ है उमी यानी कि समुद्र। और जो ये रेडिकल यहाँ पे है, जिसके बारे में हम लोग कांजी के अपने लेसन में भी बात करेंगे, ये पानी से संबंध रखता है, इसके साथ लगाया जाता है। और एक में जब ये बनता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो काई गाई। काई की रीडिंग भी इसकी है यानी कि विदेश। फिर देखिए आप एक और है काई गाई रियोको। इसका एक और भी बहुत बेसिक अर्थ बनता है उमी के पार। देखिए ये समुद्र है और समुद्र के उस पार का भी अर्थ है, तो विदेश हो गया। फिर काई गाई रियोको यानी कि विदेश घूमने जाना। रियोको माने अभी आपको बताया कि ट्रिप है, घूमना है, तो उमी के उस पार, समुद्र के उस पार घूमने जाना यानी कि विदेश जाना। देखिए अभी तक हम लोग गाई की रीडिंग कर रहे थे इस कैरेक्टर के साथ। अब देखिए यहाँ पे रीडिंग आ गई सोतो वापस से, जो कि इसका ओरिजिनल अर्थ है। और ये जो कैरेक्टर है, एक कुची के अंदर दूसरा कुची, ये है मवारी यानी कि उसके अराउंड, उसके बाहर सराउंडिंग एरिया में, तो सोतो मवारी। इसी के साथ हम आपको एक और कांजी दे रहे हैं। ये किस चीज़ की कांजी है? ये है ऊंची की कांजी। तो ऊंची मवारी शब्द होता है। अब सोतो मवारी और ऊंची मवारी दोनों नए शब्द हैं, इनका अर्थ ढूंढिए। ये आपका शुकदाय है, ये आपका होमवर्क है, और इससे दो वाक्य बनाइए और अगली बार इन वाक्यों को हम लोग देखेंगे कि आपने सही बनाए हैं या नहीं। तो ये आपकी
तमाम सारी कांजी है। आज का जो कांजी का कैरेक्टर था वो था सोतो। उसका प्रयोग करके आपको बहुत सारे नए शब्द बताए हैं। बार बार इसको देखिए, इसका अभ्यास करिए और आपको शब्द भी याद हो जाएंगे और कांजी भी याद हो जाएगी। अब आपके लिए एक कोतोवाजा है, यहाँ पर बहुत प्रयोग में आता है। एक तस्वीर में एक बिल्ली है और यहाँ पर कुछ पैसे गिर रहे हैं, और एक तस्वीर में ये बंदर साहब हैं और इनके पास कुछ अदरक रखी है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? जापानी कोतोवाजा और हिंदी कोतोवाजा जो है, हिंदी का जो मुहावरा है, इससे क्या समझ में आता है? देखिए, जापानी में है नेको नी कुबान। अगर आप बिल्ली के सामने पैसा रखेंगे तो उसको उसका कोई मूल्य पता होगा? कोई मूल्य नहीं पता होगा उसका। तो इसलिए जापानी में कहा जाता है कि उसे उपहार दीजिए जो उसका मूल्य समझे। उसे उपहार देना बेकार है जो मूल्य ही ना समझे उस बात का। यानी कि बेकार की कोशिश है, व्यर्थ का प्रयास है किसी को समझाना कोई ऐसी चीज़ जो उसको समझ में ही ना आए, जो उसके लिए व्यर्थ हो, बेकार हो। तो नेकोनी कोबान, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा मुहावरा है और बहुत प्रयोग में भी आता है। व्यक्ति को हमेशा वही देना चाहिए जो उसको समझ में आए, जिसकी उसको जानकारी हो, जिसको वो एप्रिशिएट कर सके। कोई बहुत मूल्यवान वस्तु अगर आप किसी ऐसे को दे दें जिसको उसके मूल्य के बारे में पता ही ना हो, तो आपका एफर्ट जो है, आपका जो मेहनत है, जो प्रयास है, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। नेकोनी कोबान। और ऐसा भी कहते हैं जापानी में कि बिल्लियां जो हैं बहुत चमकती हुई चीज़ों के पीछे भागती हैं। या बिल्लियां जो हैं, आपने देखा होगा तस्वीरों में, ऊन का गोला या गेंद, इसके पीछे बहुत भागती हैं। लेकिन बिल्लियां ये नहीं जानती हैं कि उसका काम क्या है, उनके लिए उसका मूल्य कोई नहीं है, बस खेलने के लिए उसका प्रयोग करती हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी कार्य जो है बिना किसी पर्पस के, बिना किसी गोल के व्यर्थ होगा। अब आपके लिए कुछ नए शब्द हैं, हिदारी, मिगी, कोकुबान, कोएन, हिशो, काजोको। तो ये कुछ नए शब्द हैं जो आपने इस बार किए हैं। इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करिए और इनसे अभ्यास करिए। और इसी के साथ जो है आपका पाठ जो है यही ख़त्म होता है, और अगली बार हम लोग कुछ नया करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास करिए, जोर से उच्चारण करके मित्र के साथ अपने इसका अभ्यास करिए और देखिए कि आपकी जापानी कहाँ तक पहुँची है। अगली क्लास तक के लिए नमस्कार।